नमस्कार, डिजिटल भूमि में मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के पिछले कुछ दिनों में दो ऐसे बड़े बयान आए हैं जिसे सुनकर संपूर्ण हिंदू समाज में शायद खुशी की लहर दौड़ जाएगी। जी हां, सबसे पहले तो 10 दिसंबर के आसपास जब खुले में नमाज पढ़ने के किस्से सामने आए, तो उसी समय सीएम मनोहर लाल खट्टर का एक बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने यह कहा कि खुले में नमाज पढ़ने की प्रथा बिल्कुल भी सहन नहीं की जाएगी और इस बारे में वो निर्देश संबंधित अधिकारियों को दे चुके हैं। हमने यहाँ पुलिस को भी कहा है, हमारे डिप्टी सुप्रीम कमिश्नर को भी कहा है कि इस विषय को रिजोल्व करना है, और रिजोल्व करने में हर कोई अपनी जगह पर, कोई नमाज पढ़ता है, कोई पाठ करता है, कोई पूजा प्रसन्नति करता है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारी चीज धार्मिक स्थल इसीलिए बने होते हैं कि वहां जाकर के चाहे, खुले में ऐसा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए कि नमाज पढ़ने की जो प्रथा यहाँ खुले में हुई है ये कतई भी सहन नहीं की जाएगी। लेकिन इसमें से उन साथ बैठ करके एमिकेबल सोल्यूशन निकाला जाएगा। उन्होंने भी कहा कि बहुत सी हमारे पास जमीनें हैं जहां हमें अनुमति दी जाए, या कुछ जमीनें ऐसी हैं जो उनकी अपनी जमीन होगी या वक्फ की होगी, उसमें कहीं एनक्लोज्ड एरिया है, वो भी कैसे उनको उपलब्ध कराया जा सके, और या फिर अपने घर में नमाज पढ़े, खुले में नमाज पढ़ करके। और आपसी टकराव भी नहीं होना चाहिए, इसको किसी हालत में टकराव नहीं होने देंगे। कुछ बैठ करके बातचीत करके आपस में फैसला भी किया था, लेकिन वो फैसला भी कई स्थान जो रिजर्व कर दिए गए थे उसको हमने वापस ले लिया है। अब नए सिरे से सारी बातचीत करके और उनको उनके हिसाब से सबको फैसिलिटी मिले, कोई किसी के अधिकारों में हस्तक्षेप न करे, लेकिन जबरदस्ती वो किसी को नहीं। और फिर 11 दिसंबर यानी शनिवार को सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भाग लिया, जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि अगले सत्र से भागवत गीता को स्कूलों में व उससे जुड़ी किताबों को 5वीं से 7वीं कक्षा के सिलेबस में जोड़ दिया जाएगा, तथा साथ ही स्कूली बच्चों को भागवत गीता के श्लोकों का उच्चारण भी कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह कहा कि युवाओं को भागवत गीता का सार अपनी जिंदगी में मिला लेना चाहिए, क्योंकि जो भागवत गीता से संदेश मिलता है, इस पवित्र ग्रंथ से जो संदेश मिलता है, वह केवल अर्जुन के लिए नहीं, वह हम सब के लिए भी उतना ही जरूरी है। और इस बारे में उन्होंने शनिवार रात लगभग 10:21 पर ट्वीट कर भी जानकारी साझा की, जिसमें उन्होंने लिखा कि अब विद्यालयों में छात्र गीता का अध्ययन करेंगे, अगले शैक्षणिक सत्र से श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों का उच्चारण छात्रों को करवाया जाएगा। तो इसी के साथ मैं सौरभ अभी के लिए विदा लेता हूं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर अपने सगे संबंधित मित्रों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।